23 जुलाई यानी मंगलवार को केंद्र सरकार ने अपने इस कार्यालय का पहला बजट जारी किया है, जहां विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इस पर उन्हें मात्र 3% ब्याज देना होगा। बता दें कि शिक्षा के बढ़ते खर्च को देखते हुए स्टूडेंट लोन एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। इसके माध्यम से छात्र अपनी उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टूडेंट लोन कैसे मिलता है और किन कारणों की वजह से स्टूडेंट लोन रिजेक्ट हो जाता है? तो चलिए आज हम आपको बैंक के मैनेजर से बात करेंगे और ये पूरी प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि आप कैसे लोन पा सकते हैं और इसका सही तरीका क्या है। सर, आपका नाम क्या है? संदीप कुमार गुप्ता, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ PNB महारानी बाग ब्रांच में। ओके, और सर आज बजट पेश हुआ है और जहाँ बच्चों को स्टडी लोन के लिए आज निर्मला सीतारमन जी ने 10 लाख पे 3% इंटरेस्ट रेट देने की बात की है, तो बहुत बच्चे लोन लेने के लिए सोचते हैं लेकिन उन्हें सही प्रोसेस नहीं पता होता है, तो बता सकते हैं कि कोई कैसे स्टडी लोन ले सकता है, उसका क्या प्रोसेस है? स्टडी लोन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जो भी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो उन्हें जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है वहाँ कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, उनकी फी स्ट्रक्चर, वो लेके यदि वो हमारे पास आते हैं तो उनका लोन सैंक्शन हो जाता है। बहुत मुश्किल वाला नहीं है। आजकल गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी ऐसी है कि स्टडी के लिए बच्चों को सबको लोन देना है, तो लोन प्रोसेस काफ़ी ईजी हो गए हैं। तो थोड़े ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और लोन आराम से प्रोसेस हो जाता है। सर, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता होती है इसमें? मेन KYC हो गए बच्चों के, उसके बाद उन्हें जहां जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है कि उनकी फी की स्ट्रक्चर क्या है और वो एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ एडमिशन का एडमिशन लेटर होता है, बस यही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट? इसके अलावा वो KYC डॉक्यूमेंट, आधार पैन हो गया उसका, हाँ। फिर दूसरा, 4 लाख रुपए तक के किसी तरह की गारंटी की और सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 लाख तक स्टूडेंट लेता है तो कोई भी लेता है, अपनी उस पे ले सकता है। हाँ। दूसरा, यदि 7.5 लाख रुपए तक लेते हैं तो पेरेंट्स की गारंटी की रिक्वायरमेंट होती है, कोबोरोवर बनते हैं। पेरेंट्स हमेशा ही हर लोन में कोबोरोवर रहेंगे, ठीक है। 7.5 लाख तक भी पेरेंट्स की कोबोरोवर और गारंटी होती है, थर्ड पार्टी गारंटी और कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और 7.5 लाख रुपए से ऊपर यदि हम जाते हैं तो उसमें कोलेटरल की भी रिक्वायरमेंट होती है, थर्ड पार्टी की गारंटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो सर, जो आपने ये बताया कि जैसे पेरेंट्स के गारंटी से हो जाएगा, तो उसमें कोई एसेट्स भी लेते हैं आप? 7.5 लाख रुपए तक कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। हाँ, वहाँ कुछ नहीं लेना होता, जस्ट पेरेंट्स को बोरोवर रहेंगे, इसके अलावा किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। उससे ऊपर अगर लेंगे तब तो फिर हाँ, कोलेटरल सिक्योरिटी, यस, 100% लोन अमाउंट टेंजिबल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सर, ये जानना था कि कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चों को जल्दी लोन पास हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं इस तरह का कुछ भी नहीं है। सारी हायर एजुकेशन जिस भी तरह की है सभी के लिए लोन मिलता है और इस तरह का भेदभाव कहीं नहीं है कि इस कोर्स के लिए आपको जल्दी मिलेगा या उसके लिए लेट मिलेगा, सभी के लिए लोन देते हैं। हाँ, मिल जाएगा सभी के लिए लोन देते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि ये भी है कि मतलब बच्चे किसी इंस्टीट्यूट पे ऐसा कहीं डिपेंड करता है कि बच्चों को किस हिसाब से डिस्काउंट मिलता है या जल्दी थोड़ा जल्दी मिलता है उन सबसे? डिस्काउंट इस तरह से रहता है कि जैसे जो स्टडी पीरियड होता है एजुकेशन लोन का, इस तरह से है कि जो स्टडी पीरियड होता है उसके अंदर खाली इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट, और जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उनकी EMI चालू होती है। तो स्टडी पीरियड के दौरान यदि वो इंटरेस्ट सर्व करते हैं मंथली तो उनको 1% का डिस्काउंट मिलता है जब उनकी EMI शुरू होती है। अगर वो इंटरेस्ट देते हैं तो उसमें 1% का डिस्काउंट मिलता है, यस। और उसके बाद उनका लोन का अमाउंट EMI से शुरू, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी सर ऐसा कुछ है कि बच्चे अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो उन्हें आसानी से लोन मिल जाएगा? हाँ, जैसे एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है हमारे, जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, जो भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए प्रेफरेंस रहती है बच्चों को। उन वहाँ कोलेटरल सिक्योरिटी की भी थोड़ा सा लिबरलाइज है स्कीम्स ना, कि हायर अमाउंट के लिए भी वहाँ बिना कोलेटरल के लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट की जो गारंटी होती है वो गारंटी के साथ में वहाँ लोन उनको मिल जाता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नहीं, प्रॉब्लम कहीं नहीं होती एजुकेशन लोन में, अभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल के सभी एजुकेशन पे लोन मिल रहे हैं किसी भी टाइप का? बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, सब तरह के स्टडीज के ऊपर हम लोन देते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट मतलब मिलने लगा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ITI करना है, पॉलिटेक्निक करना है, उसके लिए भी बैंक लोन देते हैं। मतलब छोटे कोर्स से लेकर बड़े कोर्स सब में मिल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और सवाल था कि बहुत ऐसे बच्चे लोन तो पास करते हैं बट उनका लोन क्लियर नहीं हो पाता, सही से बीच में रिजेक्ट हो जाता है, किसी ना किसी रीजन की वजह से रुक जाता है, तो इसका मेन रीजन क्या है जहां बच्चों का? मेन रीजन ये है, या तो बच्चे पूरे डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं या फिर उनके पेरेंट्स की सिबिल में डिफॉल्ट होता है, तो वो कोई केस होता है जहां लोन रिजेक्ट होता है। बट आजकल इस तरह के केस कम है, बच्चों के लोन रिजेक्ट नहीं होते हैं और हायर स्टडीज के लिए उनको लोन आसानी से मिल जाता है। तो मेन आगे डॉक्यूमेंट्स और आप पेरेंट्स का CV भी चेक करते हो?
सर आपसे एक और सवाल था कि जो बच्चे लोन लेते हैं वो किस स्कीम के तहत मिलता है, सभी जगह एक है कि इसका क्या प्रोसेस? नहीं, हर एक बैंक ने अपने हिसाब से स्कीम्स बनाई हुई है। जैसे हमने स्किल डेवलपमेंट की बात की थी तो वो पीएनबी कुशल के नाम से आपको हमने बनाया हुआ है। जैसे हायर एजुकेशन के लिए जो बनाया हुआ है हमने पीएनबी प्रतिभा स्कीम निकाली हुई है, जिसके अंदर आईआईएम हो गया, आपका आईआईटी हो गया, जैसे जेवियर्स हायर मैनेजमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए हो गया। उनमें हम अभी बैंक ने डिजिटल लोन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जो बैंक की साइट के ऊपर यूआरएल वहां दिया हुआ है, वहां जाके आप अपने आप से भी प्रोसेस कर सकते हैं, तो डिजिटली आपको लोन उसके लिए भी सैंक्शन हो जाता है, मतलब ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन हो जाता है। और ये जो आपने जो बताया जिस स्कीम के तहत, तो सभी बैंक का अलग अलग होता है? हाँ, किसी का नाम अलग होगा स्कीम्स का, बट सारे बैंक, हाँ सारे बैंक प्रोसेस सेम होगा और लोन प्रोवाइड करते हैं।